हनुमान जी जब चाहे अपना साइज छोटा बड़ा कर सकते थे। एंटमैन के पास एक सूट था जिसमें एक बटन दबाने पर उसका साइज चेंज हो जाता था। हमारे इस पेपर मैन के पास ना ही कोई सुपर पावर्स है और ना ही कोई चमत्कारी सूट, लेकिन कमरे के एक कोने से दूसरे कोने में जाने तक उसका साइज चेंज हो जाता है। जो इंसान इस कोने में छोटा था वही इंसान दूसरे कोने में जाते जाते बड़ा हो जाता है। जादू इस पेपर मैन के पास नहीं बल्कि इस कमरे में है। छेद से देखने पर भले ही हमें कमरा रेक्टेंगल दिख रहा है, लेकिन इस कमरे का शेप कुछ अलग ही है। तो चलिए सबसे पहले इसे बना लेते हैं। इसे बनाने के लिए आपको ये रूम का टेम्पलेट, कैची, ग्लू और ये चार रिंग मैग्नेट चाहिए। रूम का टेम्पलेट आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस टेम्पलेट को काट कर इसे एक साथ जोड़ लेंगे। हमारा कमरा बनके तैयार है। बस अब इस छेद से देखकर जब हम इस इंसान को एक कोने से दूसरे कोने लेके जाते हैं तो उसका साइज चेंज हो जाता है। 19वीं सदी में हेल्महोल्ट्ज़ ने सबसे पहले बताया कि एक ऐसा कमरा हो सकता है जो भले ही टेढ़ा मेढ़ा है लेकिन एक पर्टिकुलर एंगल से देखने पर वो एकदम नॉर्मल लगता है। 1946 में एडेलबर्ट एम्स ने हेल्महोल्ट्ज़ के इस आइडिया को सच कर दिखाया और इसलिए हम इस रूम को एम्स रूम के नाम से जानते हैं। पहले हम ये देखते हैं कि ये टेढ़ा मेढ़ा डब्बा हमें रेक्टेंगल क्यों दिखता है। छेद से देखने पर ये कमरा हमें साधारण कमरे की तरह ही दिखती है, लेकिन असलियत कुछ और ही है। सामने वाला दीवार असल में हमसे दूर जा रहा है और इसका शेप रेक्टेंगल नहीं बल्कि एक ट्रेपेजियम है। तो छेद से देखने पर हमें सामने वाली दीवार रेक्टेंगल दिखती है और इसके दोनों साइड्स सेम दिखते हैं। ये भ्रम और मजबूत हो इसके लिए हम इस कमरे में कई सारे चीज ऐड कर देते हैं, जैसे कि ये खिड़कियां, फर्श, ये दरवाजे, जो भले ही विकृत है लेकिन इस छेद से देखते समय हमें नॉर्मल ही लगते हैं। जैसे छेद से देखते समय फर्श में ये ब्लैक एंड व्हाइट पैटर्न स्क्वायर्स दिखते हैं, लेकिन इनका एक्चुअल शेप कुछ ऐसा डिस्टॉर्टेड है। ऐसे ही हमें जो सामने खिड़की दिखती है वो छेद से देखते समय रेक्टेंगल दिखती है, लेकिन उनका शेप कुछ ऐसा है। अब ये समझते हैं कि पेपर मैन जब रूम के लेफ्ट साइड से राइट साइड तक के जाता है तो उसका साइज छोटा कैसे हो जाता है। जब कोई चीज हमारे पास रहती है तो वो हमें बड़ी दिखती है और जैसे जैसे वो दूर जाते रहती है वो हमें छोटे होती दिखती है। एम्स रूम में भी कुछ यही होता है। जब पेपर मैन लेफ्ट से राइट जा रहा है तो वो एक्चुअली में हमसे दूर जा रहा है और क्योंकि दूर जा रहा है वो हमें छोटा होते दिखता है। लेकिन इस कमरे में कमाल की बात यह है कि छेद से देखते समय हमारा दिमाग बुद्धू बन जाता है और हमें ये समझ ही नहीं आता कि इंसान हमसे दूर जा रहा है। दिखता है तो सिर्फ पेपर मैन का छोटा होना। हमें ऐसा लगता है कि पेपर मैन नॉर्मल रूम में ही एक कोने से दूसरे कोने जा रहा है, इसलिए हमें ऐसा फील होता है कि पेपर मैन असली में छोटा हो रहा है। ये इल्यूजन देखने के लिए हमें एक पर्टिकुलर पोजीशन से देखना पड़ता है। विजुअल आर्ट्स में इस चीज को एनामॉर्फोसिस बोलते थे, जिसे यूज करके 1533 में होबलिन ने एक पेंटिंग बनाया था जिसका नाम था द एम्बेसडर। इस पेंटिंग के निचले पार्ट में एक अजीब सी टेढ़ी मेढ़ी चीज है, लेकिन इसे एक पर्टिकुलर पोजीशन से देखने पर वो एक सिर के कंकाल जैसा दिखता है। कुछ ऐसे ही व्यू रिस्ट्रिक्ट करके ये अजीब सा चित्र हमें इस सिलेंडर में एक बिल्ली दिखती है।
3D में भी ये पॉसिबल है। जैसे इस टेढ़ी मेढ़ी चीज को हम इस सिलेंडर में देखें तो ये एक हाथ दिखता है। ये बड़े और छोटे का परसेप्शन आसपास की चीजों पर भी डिपेंड करता है। छेद से देखने पर तो हमें दोनों खिड़कियां सेम ही दिखती हैं, लेकिन लेफ्ट वाली खिड़की छोटी और राइट वाली खिड़की बड़ी है। अब इनके कंपैरिजन में जब हम पेपर मैन को देखते हैं तो लेफ्ट में वो बड़ा और राइट में खिड़की के कंपैरिजन में छोटा दिखता है। कैसे हमारा दिमाग आसपास के चीजों को कंपेयर करके साइज बताता है उसका एग्जाम्पल ये है। यहाँ मेरे पास दो कटोरी है, ए और बी। अगर मैं पूछूं कि किस कटोरी में ज्यादा दाल आएगी तो आंसर साफ है, ए। लेकिन अब कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि अब बी बड़ा दिखता है। इनके पोजीशंस को चेंज करते रहने पर कभी ए बड़ा दिखता है और कभी बी। लेकिन अगर हम इन दोनों को एक के ऊपर एक रखें तो क्लियर है कि दोनों की साइज सेम है। जब हम इन कटोरियों को ऐसे आसपास रखते हैं तो हमारा दिमाग इनके पास वाले साइड्स को कंपेयर करता है, तो ये साइड छोटी है और ये साइड बड़ी, इसलिए दिमाग को लगता है कि ये पूरी कटोरी इससे बड़ी है, इसलिए हमें ये सेम साइज की कटोरियां अलग लगती हैं। ये बड़े और छोटे के परसेप्शन से ही हमारा एम्स विंडो भी काम करता है। देखने पर लगता है कि विंडो ऐसे ऑसिलेट हो रहा है, लेकिन एक्चुअली में ये विंडो एक एक्सिस के अराउंड गोल घूम रहा है। रेक्टेंगल दिखने वाले ये विंडो का एक्चुअल शेप एक ट्रेपेजियम है, लेकिन हम विंडोज को जनरली रेक्टेंगल देखते हैं, इसलिए हमारा दिमाग ये अज्यूम कर लेता है कि ये भी रेक्टेंगल ही है। एम्स रूम सिर्फ एक खिलौने के रूप में ही नहीं बल्कि मूवीज में भी काफी ज्यादा यूज होते हैं। सारी काल्पनिक और जादुई मूवीज जिनमें अलग अलग साइज के लोग रहते हैं वो भी इस रूम को यूज करके ही बनते हैं। अभी तक हम ये मानते आए हैं कि आंखों देखी चीज पर ही विश्वास करना चाहिए, लेकिन इस एम्स रूम से सीख ये मिलती है कि आंखें भी धोखा देती है, इसलिए साइंस के नजरिए से देख परख और समझ कर ही भरोसा कीजिए। Nice. Thank you.